हेलो, दिस इज इंदरजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइस, इज फ्राइडे यानी कि कंटेंट डे, और कंटेंट के नाम पर आज दो ऐसे शोज आए हैं ओटीटी के ऊपर, बोले तो एकदम बवाल। क्योंकि जहां एक तरफ सोनी लीव के ऊपर रिंकू पाजी लेकर आए हैं अनदेखी का सीजन 2, वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन ने अपना डेब्यू किया है ओटीटी के ऊपर विद अ वेब शो रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस। मैंने अभी तक वो देखी नहीं सीरीज, बट आई एम डन विद अनदेखी सीजन 2 एंड आई एम हियर विद इट्स वीडियो। सो गाइस, यहां पर टोटल 10 एपिसोड होने वाले हैं इस वाले सीजन के भी, लाइक फर्स्ट सीजन, और हर एपिसोड 30-35 मिनट का है। तो आपको 5 घंटे खर्च करने पड़ेंगे इस सीरीज यानी कि इस सीजन को देखने के लिए। बट अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं अपना, सो आई एम हियर टू टेल यू द स्टोरी इन ब्रीफ। तो बहुत सारे स्पॉयलर्स यहाँ पर डेफिनेटली होने वाले हैं, बट उससे पहले जिन लोगों को साफ सुथरे रिव्यू जानने हैं देखी सीजन 2 के, वो मैं बताऊंगा बिना किसी स्पॉयलर के, बहुत ही ब्रीफ में। तो स्टार्ट करते हैं देखी सीजन 2 के साफ सुथरे स्पॉयलर फ्री रिव्यू के साथ। तो दोस्तों, स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर लास्ट सीजन की खत्म हुई थी। लेकिन जैसे पिछला सीजन था एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में, क्योंकि कोयल की जो साथी थी वेस्ट बंगाल की, उसका मर्डर कर दिया था गोली मार के पापा जी ने, तो वो सारा सीजन इसी के ऊपर था कि किस तरह से अटवाल फैमिली अपने आप को सेफ कर पाए इस मर्डर से। लेकिन इस वाले सीजन के अंदर अटवाल फैमिली को लगता है कि सारे आई विटनेसेस थे जो भी इस मर्डर के, वो सब मर चुके हैं या फिर सेटल डाउन हो चुका है सब कुछ। सो दैट्स वाई दिस सीजन इज फोकस्ड ऑन देयर बिजनेस पार्ट, यानी कि ड्रग्स में वो डील करते हैं, ड्रग्स को मैन्युफैक्चर भी करते हैं, ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, सेल भी करते हैं। सो ये वाला सारा सीजन उनके बिजनेस पार्ट के ऊपर बनाया गया है। सो अब सीजन बिल्कुल नया है, एंगल बिल्कुल नया है, तो यहाँ पर कुछ नए करेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनमें से एक है मियांग चैंग का, जो अभी का करेक्टर प्ले कर रहे हैं, और दूसरा है नंदीश संधू, जो समर्थ का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। जो फार्मा कंपनी यहाँ पर दिखाई गई है, जो बिजनेस पार्टनर है अटवाल्स के, वो करेक्टर प्ले कर रहे हैं नंदीश संधू समर्थ का। सो जैसे पिछले सीजन में शादी थी दमन और तेजी की, इस सीजन में शादी है रिंकू पाजी और मुस्कान की। अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों की बातें हो रही हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट क्या यहाँ पर भी वैसे ही खून खराबा होता है जैसा फर्स्ट सीजन में हुआ था या नहीं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो सिमिलर सा थोड़ा सा प्लॉट आपको लगेगा जरूर। और यहाँ पर भी रिंकू पाजी और पापा जी की जोड़ी द बेस्ट जोड़ी है, मतलब इस जोड़ी के आगे सब जोड़ियाँ फेल हैं। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है, और दोनों का जो प्यार दिखाया गया है आपस में, दैट इज कमेंडेबल, जो मेरे ख्याल से द बेस्ट पार्ट है इस पूरी सीरीज का। अब क्योंकि तेजी अटवाल जो फैमिली से काफ़ी ज़्यादा खफा थी, अपने हस्बैंड से भी काफ़ी ज़्यादा खफा थी दमन से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बवाल मचा था उनकी शादी में, तो अब ये अटवाल्स को एक्सपोज करना चाहती हैं, जिस कारण ये फैमिली के अंदर रह के ही इनका बिजनेस ज्वाइन करती है, या किस तरह से एक्सपोज करती हैं बिजनेस ज्वाइन करके, वो आपको देखना पड़ेगा कर भी पाती हैं या नहीं। तो ये सब इस सीजन के अंदर दिखाया गया है। और यस, ये सीरीज, ये वाला सीजन मुझे पहले वाले सीजन से थोड़ा सा बोरियत लगी मुझे इस सीजन में। लाइक पहले 4-5 एपिसोड्स तो आपके बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको काफ़ी स्लो लगती है ये वाली सीरीज, यानी ये वाला सीजन बहुत ज़्यादा स्लो लगा मुझे। और लग रहा था कि यार 10 एपिसोड शायद नहीं होने चाहिए थे, 7-8 एपिसोड के अंदर काम चल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप देख नहीं पाओगे। ऑफकोर्स अगर आपने अनदेखी का पहला सीजन देखा था, फिर तो आप ये छोड़ ही नहीं पाओगे। बट स्टिल यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले वाले सीजन से मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लगी, लेकिन स्टोरी की कनेक्टिविटी मुझे सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक स्टोरी काफ़ी जगह घूमती है। सलोनी और शाश्वत अलग भागे हुए हैं, अब कोयल उसका अलग कॉन्सेप्ट था, घोष का अलग कॉन्सेप्ट है डीसीपी घोष का, तो इन सब को ड्रग्स के धंधे से जोड़ा गया है इस वाले सीजन के अंदर, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गाली गलौज यहाँ पर भी फुल ऑन होने वाला है, तो फैमिली के साथ देखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे की बात है, पते की बात यह है कि सीजन 3 इज ऑन द वे, सो लॉट मोर इन द बॉक्स ऑफ अनदेखी, तो बहुत कुछ आने वाला है। और सो दैट्स ऑल अबाउट रिव्यू गाइस। अब हम बात करते हैं अनदेखी सीजन 2 की स्टोरी की बिल्कुल ब्रीफ के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर पहले सीजन की खत्म हुई थी, और हुआ यह था कि डीसीपी घोष कोयल को बचा पाने में किस तरह से कामयाब रहे थे रिंकू पाजी को चकमा देकर, क्योंकि उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस में कोयल को शिफ्ट कर दिया था, जिसे चला रही थी तेजी अटवाल। अब रास्ते में वो एम्बुलेंस उतर जाती है, और एम्बुलेंस चलाता है टीमा। टीमा वही है जो मुस्कान का मुस्कान को प्यार करता था, वन साइडेड लवर था मुस्कान का, और मुस्कान वही जो रिंकू पाजी की गर्लफ्रेंड है। रिंकू पाजी और मुस्कान दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो टीमा भी कहीं ना कहीं बदला लेना चाहता है रिंकू पाजी से, तो वो आ जाता है ड्राइविंग सीट के ऊपर, और यहाँ पर कांड हो जाता है और एम्बुलेंस गिर जाती है खाई में। अब सबको ये लगता है कि कोयल मर चुकी है, लेकिन कोयल मिल जाती है अभय को, यानी कि मियांग चैंग जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो वहाँ से कोयल को बचाकर अपने घर ले जाते हैं और उसकी सेवा पानी करते हैं, और वो ठीक हो जाती है। अब डीसीपी घोष जो कोयल के कारण ही मनाली में टिके हुए थे, अब ये प्रूव हो जाता है कि कोयल मर चुकी है, सबको ऐसे ही लगता है, जिस कारण ये केस क्लोज हो जाता है, और डीसीपी घोष को वापस कोलकाता जाना पड़ता है, जिस कारण वो सीरीज में 70-80% मिसिंग ही है, क्योंकि वो कोलकाता चले जाते हैं। शुरू में कुछ टाइम रहते हैं वो, बाकी एंड में ही आते हैं। अब दूसरी तरफ सलोनी और शाश्वत, यानी कि जो फोटोग्राफर्स आए हुए थे, वीडियोग्राफर्स आए हुए थे शादी के अंदर, रिंकू पाजी उनकी जान लेने के पीछे पड़े हुए थे, तो
किसी तरह से तेजी एक डील करके उनको वहां से निकलवा देती है, लेकिन अभी भी रिंकू पाजी नहीं चाहते कि उस मर्डर का कोई भी आई विटनेस रहे। तो सलोनी और शाश्वत के पीछे भी उन्होंने गुंडे छोड़े होते हैं। अब उनकी टीम में सारे मारे जाते हैं, बट सलोनी और शाश्वत वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो जाते कहां है इस पर मैं बाद में आऊंगा। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो है ड्रग्स बिजनेस का। तो समर्थ जो एक फार्मा कंपनी चलाता है, और वो फार्मा कंपनी जिस लैंड पर बनी है वो है अटवाल का लैंड, जिस कारण अटवाल और समर्थ के अंदर एक पार्टनरशिप है। लाइक कुछ परसेंट देना पड़ता है अटवाल को समर्थ को, लेकिन समर्थ नहीं चाहता कि अटवाल को किसी भी तरह से इतना शेयर देना पड़े उसे, क्योंकि जो असली ओनर्स हैं वो कहीं इज़राइल में बैठे हैं, जिनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा यहाँ पर दिखाई गई है। यानी कि दो कैरेक्टर्स यहाँ पर लिए गए हैं जिनको हिंदी बोलनी आती है, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था मुझे। दूसरी तरफ तेजी और दमन अटवाल, जो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के इन सब कारनामों से परेशान थे, अब उन्हें लगता है कि अपनी फैमिली से बदला लेने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनके ड्रग्स के धंधे में घुसकर उनको एक्सपोज किया जाए। तो ये अंदर ही अंदर यानी कि बैक एंड से समर्थ के साथ एक डील कर लेते हैं, जिस कारण समर्थ रिंकू और पापा जी के अगेंस्ट हो जाता है और दमन और तेजी के साथ हो जाता है। तो इन सब का मुद्दा एक ही है, किस तरह से रिंकू और पापा जी को एक्सपोज करना या उसको ख़त्म कर देना। अब दूसरी तरफ जो सलोनी और शाश्वत भाग रहे थे, उनको भी अपना बदला लेना था रिंकू पाजी से, तो शाश्वत किसी तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर एक ट्रक चुरा लेता है फार्मा कंपनी के अंदर से, और वो ट्रक ड्रग से फुल लोडेड होता है, यानी कि 50 करोड़ का वो ट्रक होता है। अब सलोनी और शाश्वत किसी तरह से अप्रोच नहीं कर सकते रिंकू पाजी को, तो वो तेजी अटवाल को और दमन अटवाल को कॉन्टैक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास इतने का माल पड़ा है, अगर तुम हमें 5 करोड़ दे दोगे और हमें दिल्ली पहुंचाने का बंदोबस्त कर दोगे तो ये ट्रक तुम्हारा हो जाएगा। अब क्योंकि तेजी और दमन भी बिजनेस में आ चुके हैं, तो उनको भी ये वाला ट्रक चाहिए था किसी तरह से अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए समर्थ को, तो वो ये वाला ट्रक ले लेते हैं। लेकिन इसके बदले में सलोनी और शाश्वत को तेजी मरवा देती, लेकिन कैसे मरवाती है, किसके हाथों मरवाती है, ये छोटी मोटी चीज़ें मैं जान के छोड़ रहा हूँ, ताकि अगर आपको देखनी भी हो तो आपको थोड़ा सा रस बचा रहे देखने का। तो सलोनी और शाश्वत का कैरेक्टर खत्म हो चुका है, अब मेन बात रह गई है रिंकू पाजी और पापा जी एक तरफ हैं वर्सेस दमन तेजी समर्थ, ये सब एक तरफ हैं। अब इन सब के अलावा एक और कैरेक्टर भी है कोयल, जो होश में आ जाती है और बिल्कुल ठीक हो चुकी है, जो अभय के पास है। अब यानी कि मियांग चेंग, जो मार्शल आर्ट का बहुत बड़ा एक प्लेयर दिखाया गया है, लाइक बहुत कराटे वराटे आते हैं उसके यहाँ पर करने, लेकिन उसकी भी कुछ ना कुछ बैक स्टोरी दिखा रखी है अटवाल के साथ, वो भी उनके ड्रग्स के धंधे में उनका साथ दे चुका है एक टाइम पे, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं थे इस कारण वो हट चुका था इस काम से। तो सलोनी अब बदला लेना चाहती है रिंकू पाजी से और पापा जी से उनको मार के, तो अभय उनको बोलता है कि अगर तुम्हें इनसे बदला लेना है तो बेस्ट वे है इनको बिजनेस के अंदर नुकसान पहुंचाओ। तो ये बारी बारी से उनके ट्रक के अंदर बॉम्ब फिट करके ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं दोनों। तो कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों से समर्थ और रिंकू पाजी यानी पापा जी के अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं और दूरियां भी बढ़ जाती हैं, और दूसरी तरफ इसका फायदा होता है तेजी और दमन को, क्योंकि ये दोनों समर्थ के ज्यादा पास आ जाते हैं और बिजनेस के अंदर इनका रास्ता काफी ज्यादा क्लियर हो चुका होता है। और यहाँ पर फिर से एंट्री हो जाती है डीसीपी घोष की, क्योंकि कोयल जिंदा है और केस दोबारा से ओपन हो जाता है, जिस कारण डीसीपी घोष दोबारा से मनाली में आ जाते हैं। अब क्योंकि रिंकू पाजी और समर्थ के बीच में डायरेक्ट फाइट हो चुकी है, तो रिंकू पाजी समर्थ के कुछ ट्रक्स को निकलते तो हैं फैक्ट्री से, लेकिन रस्ते में ही चोरी कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। अब समर्थ को इस चीज़ का पता लग जाता है और वो पापा जी को उठाकर अपनी फैक्ट्री में ले आता है, यानी कि उनको किडनैप कर लेता है और उनको मारता पीटता है, जिस कारण रिंकू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। सो क्लाइमैक्स आता है फैक्ट्री के अंदर, सब करेक्टर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर कोयल भी पहुँच जाती है अटवाल्स को मारने के लिए, यानी पापा जी और रिंकू पाजी को मारने के लिए। अब डीसीपी घोषी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अंधाधुन फायरिंग होती है, कौन किसको मारने में लगा हुआ कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वहाँ पर डीसीपी घोष के हाथों कोयल को गोली लग जाती है, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती है। सो अब समर्थ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। सो थर्ड सीजन इज ऑन द वे, जहाँ पर समर्थ वर्सेज अटवाल्स होंगे, यानी कि समर्थ वर्सेज रिंकू पाजी होने वाला है। एंड दैट्स ऑल अबाउट अनदेखी सीजन 2 गाइस। बहुत सारी चीज़ें मिस हुई होंगी, क्योंकि 10 एपिसोड्स की वेब सीरीज़ को 10 मिनट में कवर करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलूंगा जल्दी रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस की रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।